6040 होगा तो ठीक रहेगा, ओरिजिनल का प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बना लेंगे। हाँ डॉक्यूमेंट है सर, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। तूने बोर्ड लगाया तो सेटलमेंट करने के काबिल हो गया। मुझे भी सेट होना है ना भाई। दरअसल ये जमीन मेरी है, लेकिन सुधाकर के आदमी ने भाई मुझसे बात करिए ना भाई क्या कर रहे हैं भाई। वो कुछ करेगा क्या? बोलो, कुछ नहीं करेगा। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेगा। तू डरता काहे को है? धीरे बोलना, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं धीरे बात कर रहा हूं ना, गधा कहीं का। डरता हूं मैं उसे, वो मारेगा तो हम भी मारेंगे, समझ रहा है क्या? माधव चल उठ उठ उठ, अभी चलकर मारते हैं साले को। उठ उठ उठ, छोड़ो ना भाई, छोड़ो ना। भाई स्कॉर्पियो आया। ये तो माणिक की गाड़ी लग रही है। कौन आ रहा है? ए तू जाकर देख। मैं जाऊँ क्या? तू नहीं, तू जाकर देख। हाँ वो नहीं होगा भाई, तू जाकर देख। तो कुछ तो कोई जाता नहीं। कहाँ से हो तुम? बाइंदर। किससे मिल आए हो? मिनिस्टर से। ये एरिया अच्छा नहीं है, समझे तुम? ए इसको चिल्ला देकर जल्दी भेज। उससे क्या बकबक कर रहा है वो? तू कहाँ से? तू यहाँ पर क्यों आया? मैं खुद नहीं आया, वो लेके आया तो आ गया। ए बाबू, क्या बोल रहा है मेरा भाई? माणिक चंद को मारेगा? ओ न्यूज में आ गया। क्यों रे, तुझे नहीं पता? यानी तेरे पास न्यूज नहीं है क्या? हाँ झूठ बोलता है। मुझे पता था ऐसे ही होगा। ए, क्या हुआ? मना कर रही क्यों? बच्चों की तरह रो रही है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कुछ होगा कि नहीं, तुमने बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। पर तू रो क्यों रही है? मुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, तू रो मत। कोई फिक्र की बात नहीं है, मतलब काम हो जाएगा ना। मैं कितना डर गई थी, अभी मैं सुजाता के फादर को क्या बोलूं? ए छोटू इधर आ, इसको अर्जेंट लेके जाए यहाँ से। ए घर में किसी को पता नहीं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, समझ गया? हाँ मलेश का नंबर है ना। ए ए चल लेके जाए इसको, गाड़ी है बाहर खड़ी है। ए बाय सोनू। ए छोटू अभी जा जा। मेरे पास दो रास्ते थे, एक माणिक चंद से डर कर भाग जाना, दूसरा उसका मुकाबला करना, और मैंने दूसरा रास्ता चुना।
अरे देख तो, इसी ने मानिक चंद को मारा है। अच्छा? हाँ, बहुत ही खतरनाक लड़का है। हाँ। भाई भाई, इधर ऐसा माहौल है तो सेंटर में कैसा रहेगा? क्यों बटुकना से डरता है क्या? फिर मारेंगे। ए जलट, ए क्या बोल रहे? फिर क्या? ए चाय लेके आ रहे, चाय लेके आ रहे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मानिक चंद के आदमी ढूंढ रहे थे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने मानिक चंद को धक्का दिया था? सिर्फ धक्का नहीं दिया, मारा। ए वो लोगों से धकेला कहता फिर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अरे बटुकना से फिर डर रहे हो भाई? उसको फिर मारेंगे। ए ज्यादा बात बंद कर, चल निकल यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। झगड़ा करना है तो बाहर जाकर करो, मेरी दुकान में मत करो। क्या है, क्या है रे, क्या है ये सब कुछ? ये राड़ा क्या है? ये चेन, ये शीशा? हाँ, दरअसल तुम लोगों ने मारी थी, तुमको मारा क्यों? मैं इस बस्ती के कॉर्पोरेट होकर भी उसे बात करने से डरती हूँ, और तुम लोगों ने आकर उसे धकेल दिया? धक्का नहीं दिया, मारा। तेरी तो। अच्छा ये बता, तू नरसिंह का बेटा है ना? नरसिंह यादव। हाँ, इसलिए साले तेरी आदतें बाप जैसी है, गधा कहीं का। तेरे बाप की कितनी इज्जत है जानता है? जिंदगी में उसने कभी छोटी सी मदद भी नहीं मांगी मुझसे, और आज पहली बार सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा था। वो कह रहा था, दीदी मेरे बेटे को बचा लो, मानिक चंद पता नहीं मेरे बेटे का क्या हाल करेगा। वो हाथ पैर जोड़ रहा था और मैं घबराई हुई इधर आई, तो तुम लोग यहाँ हथियार लेकर खड़े हो? तुमने मानिक चंद से पंगा लिया, इस डर से रात भर तुम्हारी माँ ने खाना नहीं खाया, रोती जा रही है, रोती जा रही है। तू अपनी माँ को ऐसे रुलाता है नालायक? मेरी कोई गलती? अरे चुप, गलत काम करता है और मुझे जवाब देता है। सुनो आप तुम लोग, अब बिल्कुल चिंता मत करो, पीवीआर एमएलए मुझे अच्छी तरह जानते हैं। पीवीआर के घर जाकर मानिक चंद से बात करके मैं सब सेटलमेंट कर दूंगी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? ए तुम लोग चलो चलो चलो, बाहर निकलो चलो। नमस्ते सर, नमस्ते सर, सर सुना है कि आपने अपने साले को सीट दिलाई है सर। अरे हमारा सब आदमी आया क्या? हाँ ठीक है ठीक है। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करना। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, इनको लेकर आओ अंदर, आ जाओ। आ गया ले तू, इतना छोटा है, गुस्सा आएगा तो मार डालेगा क्या? सर कैसी बात करें सर, जानबूझकर थोड़ी किया, उनके एक इशारे पर हम जान देने के लिए तैयार रहते थे। सर मेरा नाम सोनू है, कोई आम आदमी नहीं हूँ जो मैं उससे डरूंगा। मैंने मांगा ही क्या था, छोटी सी हेल्प मांगी थी, वो भी देने से मना कर दिया। हम लोग उसके लिए क्या क्या करते थे सर, आपको शायद पता नहीं है सर। हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया बोलना नहीं चाहिए सर, हमने उसकी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। कोई प्रॉब्लम होता था तो हम लोग जाकर मारते थे। अभी जो कारपेट इलेक्शन हुआ उसमें चोरी से वोट डाले, पुलिस ने हमें अंदर भी कर दिया था सर। एचआईवी? ओके सर, वो सब छोड़िए सर। इतना ही नहीं सर, मानिक चंद के सामने कोई भी खड़ा हुआ तो हम सब मिलकर हमेशा जाकर जवाब दिए सर। सर ये तो बात ठीक है, बोल बेटा बोल, जो भी बोलना है। हमने जो भी कुछ किया सर वो जानबूझकर नहीं किया, हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं सर, जो भी कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। वो क्या है ना सर, ये छोटा सा बच्चा है ना। जो हो गया सो हो गया, मैंने उसको धकेला, अब वो हमें जान से मारना चाहते हैं। आप जैसा कहो हम वैसा करेंगे। अब सब आपके हाथ में है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते, ये सोनू का बाप है। हाँ भाई। नमस्ते भाई। न,
नमस्ते भाई। नमस्ते, बैठ बैठ। और धंधा तेरा मस्त चल रहा है ना? और ये सब क्या सुन रहा हूँ? तेरा ये बच्चों से क्या झगड़ा है? एक मिनट, बाहर चलो। ए बाहर चलो, चलो बाहर। क्या बोल रहा था? खत्म कर देगा इनको। अरे तेरे आदमी घूम रहे हैं ना, उसने जो किया वो अनजाने में किया, तेरी इमेज क्या रहेगी पब्लिक में? अरे हमारे बच्चे हैं, हमको देखना होगा। यूथ है, यूथ तो चाहिए ना। अभी तो गुंडा नहीं रहा, पॉलिटिक्स में आ रहा है। पॉलिटिक्स में ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। पॉलिटिक्स में रिवेंज नहीं होता, सब कॉम्प्रोमाइज होता है। रुआब करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पार्टियां होगी, समझे तुम? क्या रे काली, तेरे को दिमाग नहीं क्या? छोटे छोटे मैटर में भाई को इन्वॉल्व करता है। तुम लोग को खुद सेटल करना चाहिए। अगर थोड़ा भी रिवर्स हुआ ना तो वो हीरो बन जाएगा। इसी तरह से छोटे से आदमी को तुम लोग बड़ा कर देते हो। सर वो प्रेस मीटिंग। ठीक है मैनेजर, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे उसे, बच्चा है, कॉम्प्रोमाइज कर ले। बहन सब कुछ हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और ए, वो कहाँ है? अरे सुनो, मेरा क्या प्रॉब्लम है? लैंड है ना, वो दे देगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो प्रॉब्लम उसी लैंड को लेकर तो है। आपके पास आए थे सेटलमेंट करने, आप ही ऐसा बोल रहे हैं? ये क्या बात कर रहा है? दिमाग खराब हो गया, मैं बात कर रहा हूं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आप कुछ मत बोलो। देखा देखा, समझ में नहीं आती बात। देखा ये कम नहीं है भाई, जादूगर है जादूगर। भाई आप रहने दो, ये आपका मैटर नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। तुम लोग सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना, कभी मत आना तुम लोग। भाई भाई मेरी बात तो सुनो। भाई भाई, ये पार्टी का ऑफिस है, इसलिए तू जिंदा बच गया, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े काट देता। लड्डू इतनी जल्दी क्या है, मैटर भी खत्म नहीं हुआ है। चलो चलो, ए चल जाना,